हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में सरकारी उप मुख्य सचेतक एवं सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ ने आज विधानसभा क्षेत्र के हेमावास, सोनाई मांझी, सोडावास, टेवाली, निम्बाड़ा, बुसी, सेदरिया, नदाना गांव के क्षेत्रीय दौरे पर रहे। हेमावास गांव में आयोजित कार्यक्रम में राठौड़ ने गांव में 60 लाख की लागत से बने गौरव पथ के उद्घाटन सहित विभिन्न विकास कार्य का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। गांव के अटल सेवा केंद्र में उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रही है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए राठौड़ ने कहा कि गांव में बैठे आम आदमी तक सरकार की योजनाएं तेजी से पहुंच रही है और उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में सोनाई मांझी गांव में गौरव पथ का शिलान्यास किया गया तथा सोनाई मांझी से बुधवार 3 किलोमीटर 22 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। दौरे में पाली प्रधान श्रवण बंजारा, उप प्रधान मोन्टू सिंह, मांगीलाल सिरवी, एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज मीना सहित तहसीलदार केसर सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कान सिंह राणावत, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कान सिंह राणावत, सरपंच संघ पाली के जिला अध्यक्ष घेवरराम खारवाला सहित कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।